नमस्कार। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में भी कोई गठबंधन हो सकता है? अगर मैं कहूं कि ये गठबंधन हुआ है तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ऐसा गठबंधन हुआ है। हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो खबर सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आपको नेताओं पर से भरोसा आपका खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आप इस बात की डिमांड करेंगे कि ऐसे नेताओं को फौरन फांसी दे देनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर राजस्थान में, जहां गहलोत सरकार है और राजस्थान का ही एक हिस्सा, एक जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग लड़की डीएम के पास गई और पुलिस के पास पहुंची। उसने शिकायत की कि उसके साथ जो सलूक किया गया है, या उसके साथ उसे जिस दलदल में धकेलने की कोशिश की गई, उसे सेक्स रैकेट कहा जाता है। उसने दो बड़े नाम बताए। पहला बड़ा नाम बीजेपी की जिला अध्यक्ष का था, जो कि सवाई माधोपुर की जिला अध्यक्ष है, और दूसरा बड़ा नाम कांग्रेस की सवाई माधोपुर की जिला अध्यक्ष का था। मैं आपको दोनों का नाम बताता हूं। एक का नाम है कांग्रेस नेता पूनम चौधरी, जबकि दूसरे का नाम है बीजेपी की जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा। पूनम चौधरी इस वक्त फरार हैं, सुनीता वर्मा गिरफ्तार हो चुकी है। उस नाबालिग लड़की ने क्या आरोप लगाया? उस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट के 5 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस सेक्स रैकेट में शामिल हैं, और पूरे ज़िले में वो सेक्स रैकेट का कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ ज़िले में ही नहीं, बल्कि बाकी जगहों पर भी, बाकी ज़िलों में भी, और पूरे राजस्थान में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, और इनके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है। उसने खुलासा किया। दरअसल नाबालिग लड़की ने इस मामले में बताया है कि जिला कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाले शिवराम मीणा, जिला उद्योग केंद्र में काम करने वाले संदीप शर्मा, इलेक्ट्रिशियन राजू और सुनीता का सहयोगी हीरा लाल, ये ऐसे लोग हैं जो पहले भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में धकेल देते हैं। और इसमें जो दो बड़े नाम, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें पूनम चौधरी का नाम है और सुनीता वर्मा का नाम है। इस आरोप की बात क्या हुआ कि सुनीता वर्मा, जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूनम चौधरी अभी तक फरार बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी, और पूरे राज्य में कई बड़े नेताओं से इनके कांटेक्ट हैं। जो लड़कियां इस रैकेट में थीं, उन्हें नेताओं तक भी भेजा जाता था, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। अब जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और साथ ही जो सुनीता वर्मा है उनसे इस सेक्स रैकेट के कई सारे राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है। पूनम चौधरी कहां फरार है, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इस लिहाज से कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं गहलोत सरकार पर भी, कि क्या उसने इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद कोई कार्यवाही का ऑर्डर दिया, क्या आपने जिला अध्यक्ष को बर्खास्त किया या उसे पार्टी से निकाला। ऐसा अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई, इसलिए लोग कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।